इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चर के एक इंडस्ट्रियल मेथड के बारे में, जिसका नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो हम इस वीडियो में समझेंगे कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू कैसे H2SO4 का मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो आपके सामने यहाँ पर इसका मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन ड्रॉ किया है और नीचे रिएक्शन लिखी है, और इसके थ्रू मैं आपको समझाऊँगा कि कौन कौन सी रिएक्शन किसके चैम्बर में किस तरीके से होती है, किस तरीके से इस प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फर्स्ट चैम्बर दिख रहा होगा, इसमें सल्फ़र का कोई कंपाउंड रखा होता है या तो सल्फ़र ही रखा होता है। जैसे यहाँ पर आपको आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है FeS2 रखा हुआ है। तो यहाँ से हम ऑक्सीजन अंदर भेजते हैं, ऑक्सीजन, तो इस चैम्बर में FeS2 का ऑक्सीडेशन होता है और उससे हमें मिलता है सल्फ़र डाइऑक्साइड। उसके बाद हम उसका ऑक्सीडेशन करेंगे और सल्फ़र ट्राईऑक्साइड मिल जाएगा। इसके बाद हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, जो कि इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का काम कर रहा है, इसकी प्रेजेंस में सल्फ़र डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करेंगे और सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड सल्फ़र ट्राईऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब हम इस चैम्बर में FeS2 के ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन अंदर भेजते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ अंदर डस्ट और आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज़ भी चली जाती है। तो इसके ऑक्सीडेशन करने से पहले जो यहाँ पर हमारी गैस प्रोड्यूस हुई है सल्फ़र डाइऑक्साइड, उससे डस्ट और आर्सेनिक इम्प्योरिटीज़ को दूर करना ज़रूरी है। उसके बिना, क्योंकि जो आर्सेनिक इम्प्योरिटी होती है वो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, जो कि इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का काम कर रहा है, इसके लिए एक पॉइजन का काम करती है, मतलब इसकी एक्टिविटी को कम कर देती है, जिससे कि SO3 का जो प्रोडक्शन है, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड की प्रोडक्शन है, वो कम हो जाएगा। तो पहले हमें यहाँ पर डस्ट और आर्सेनिक इम्प्योरिटी दूर करनी होगी। तो इसलिए इसके बाद सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस को हम भेजते हैं वॉशिंग चैम्बर में, जहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर H2SO4 का क्षार लगा हुआ है और इससे वाटर नीचे आ रहा है। यहाँ से SO2 गैस वॉशिंग चैम्बर में एंटर करती है, फिर गैस धीरे धीरे इन क्वार्ट्स के बीच में जो स्पेस है इनसे ऊपर जाती है और वाटर इनके बीच में जो स्पेस है इनसे नीचे। तो यहाँ पर क्या होता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस में जितनी भी डस्ट है वो सब वाटर के साथ नीचे आ जाती है। और इस तरीके से क्या होता है कि जो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस है उससे डस्ट रिमूव हो जाता है। लेकिन डस्ट रिमूव होने के साथ साथ क्या होता है, जब वॉशिंग चैम्बर में हम इसे वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो इसमें नमी आ जाती है, यानी कि मॉइस्चर आ जाता है, वाटर मॉलिक्यूल, जिसको कि दूर करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो एक गैस है SO2 गैस, अब वॉशिंग चैम्बर से गुजरने के बाद, वॉशिंग चैम्बर से पास होने के बाद इसमें मॉइस्चर आ गया है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल, इसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। और जो H2SO4 होता है वो बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, यानी कि वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस है जिसमें कि अब मॉइस्चर आ चुका है, उसको दूर करने के लिए हम उसे अब नेक्स्ट चैम्बर में भेजते हैं, जिसमें कि H2SO4 का ऊपर से क्षार लगा होता है। तो यहाँ से ऊपर से H2SO4 आ रहा है और नीचे से यहाँ पर इस चैम्बर में SO2 गैस एंटर करती है। तो SO2 गैस धीरे करके ऊपर जाती है और H2SO4 नीचे आता है। तो H2SO4 SO2 गैस से जो भी मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब करके यह नीचे आ जाती है। तो इस तरीके से हमारी जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है उससे मॉइस्चर भी दूर हो चुका है। इस तरीके से हमने जो SO2 गैस थी उससे डस्ट को हटा दिया, रिमूव कर दिया। उसके बाद बचता है आर्सेनिक इम्प्योरिटी। तो इस रिएक्शन की से पहले इसकी इम्प्योरिटी को दूर करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके लिए, जैसे कि मैंने अभी बताया, इस रिएक्शन के कैटलिस्ट के लिए ये पॉइजन का काम करती है और इस रिएक्शन की रेट को स्लो कर देगी, इसलिए पहले इसको दूर करना ज़रूरी है। तो इस चैम्बर के बाद हम SO2 गैस को, सल्फर डाइऑक्साइड को, यानी नेक्स्ट चैम्बर में भेजेंगे, जिसमें कि फेरिक हाइड्रोक्साइड रखा होता है, जो कि एक बहुत अच्छा आर्सेनिक एब्जॉर्बेंट है, जो कि आर्सेनिक को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसके बाद गैस जब यहाँ से होती हुई जाएगी इस चैम्बर से, तो जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है वो आर्सेनिक को एब्जॉर्ब कर लेगा और जो यहाँ से गैस निकलेगी वो आर्सेनिक फ्री होगी, यानी कि उससे अब आर्सेनिक रिमूव हो चुकी है। तो इस तरीके से हमने जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी थी उससे डस्ट भी दूर कर ली और आर्सेनिक इम्प्योरिटी भी दूर कर ली। फिर ये जाती है नेक्स्ट चैम्बर में, जिसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन चैम्बर। इसमें वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, और ये कन्वर्ट हो जाती है सल्फर ट्राईऑक्साइड में। ये आपकी यहाँ पर सल्फर ट्राईऑक्साइड बन गई। इसके बाद हम
सल्फर ट्राईऑक्साइड को नेक्स्ट चैम्बर में भेजते हैं जिसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन चैम्बर। इसमें एक क्षार लगा होता है जिससे कि H2SO4 निकल रहा होता है, तो यहाँ से एंटर करेगी SO3 गैस, सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस, और धीरे धीरे करके ऊपर जाएगी और यहाँ से H2SO4 धीरे धीरे करके नीचे आएगा। तो जो H2SO4 है वो SO3 को एब्जॉर्ब कर लेगा और हमें मिलेगा ओलियम। एब्जॉर्प्शन चैम्बर में H2S2O7 यानी कि ओलियम ऑप्टेन होने के, हम इसको डाइल्यूट करते हैं यानी कि ओलियम में वाटर ऐड करते हैं, और ओलियम में वाटर ऐड करने पे ये H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप में से कई व्यूअर्स ये सोच रहे होंगे कि हम मैन्युफैक्चर मेथड पढ़ रहे हैं H2SO4 का और H2SO4 को ही यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों? तो आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम H2SO4 यूज़ कर रहे हैं 1 मोल, और वहाँ से हमें 1 मोल ओलियम ऑप्टेन हो रहा है। लेकिन जब हम ओलियम को डाइल्यूट करेंगे यानी कि ओलियम में H2S2O7 में जब हम वाटर ऐड करेंगे H2SO4 ऑप्टेन करने के लिए, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 2 मोल ऑफ H2SO4। यानी कि अगर हम 1 लीटर H2SO4 यूज़ करेंगे तो हमें मिलेगा 1 लीटर ओलियम, और 1 लीटर से मिलेगा 2 लीटर H2SO4। यानी अगर मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझाना चाहूँ तो अगर हम यूज़ करेंगे 100 लीटर H2SO4 तो हमें मिलेगा 100 लीटर ओलियम, और 100 लीटर ओलियम से हमें मिलेगा 200 लीटर H2SO4 यानी कि डबल। तो बाकी का जो 100 लीटर है उसको हम वापस से H2SO4 के मैन्युफैक्चर में लगा देंगे, बाकी 100 लीटर हमें ऑप्टेन हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉन्टैक्ट मेथड, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोडक्शन का एक इंडस्ट्रियल मेथड है, मतलब कि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन का एक मेथड है, से H2SO4 प्रोड्यूस किया जाता है या मैन्युफैक्चर किया जाता है।